हेलो स्टूडेंट्स दिस इज राकेश भाटिया यू आर वेलकम इन बायोलॉजी क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस फाइलम प्लेटीहेलमेंथिस इन एनिमल किंगडम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट फाइलम पोरिफेरा एंड फाइलम सिलेंट्रेटा। प्लेटी are commonly known as flatworms or tapeworms they are a group of soft bodied invertebrate animals as a matter of fact there are about 20000 species of these animals a few of these live as parasite on human and other animals let us discuss the general characteristics of phylum platyhelminthes. Platyhelminthes comprises the flatworms. It is made up of two words platys. Platys means flat, and helminth means worm. Flatworms are triploblastic. That is, they have three germ layers ectoderm, mesoderm, and endoderm, as we have discussed in Porifera and Slinteta. और सिलेंटेट के जो ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे थे और प्लेटीज्मिकॉडीटरिकल एंड देर एन सिलोम बॉडी डोरसो बैटरली फ्लैट लीफ लाइक और टेप लाइक बॉडी जो रिबन लाइक बॉडी हो सकती है टेपलाइक बॉडी है डोरसो बैटर बैंटरली फ्लैट है ऊपर और नीचे की स्तर जो एक जैसी है

सेगमेंटेशन इज एबसेंट दैट इज बॉडी नॉट मैटामेरिकली सेगमेंटेड, बॉडी में सेगमेंट्स नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रिटिव सिस्टम नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट इन दिज ऑर्गेनिज्म। एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री केनाल जो होती है दैट इज इनकंप्लीट और एबसेंट सकेल्टल रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एबसेंट एनएस इज एबसेंट लाइक सिलेंट्रेट विद ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान तो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान क्या होता है बॉडी इन विच एनिमल हैज ओनली वन पोर फॉर इंजेक्शन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मतलब जहां से इंजेक्शन होगी वहीं से वेस्ट मटीरियल रिमूव होगा जैसे कि अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल है दैट विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम द सेम पार्ट मतलब मॉथ और इजेस्टेड ऑर्गेन जो होगा वो दैट विल बी सेम एक्सक्रिटरी ऑर्गेन आर प्रोटोनफेडिया और solenocytes or flame cells very important flame cells arise from mesoderm unicellular uninucleate excretory products are ammonia fatty acid and carbon dioxide here the excretory products are ammonia fatty acid and carbon dioxide respiration and nutrition takes place through general body surface एनारोबिक रेस्परेशन इन पैरासाइट्स लाइक टीनिया टेक्स प्लेस यूनो वेरी वेल टीनिया इज फाउंड एज पैरासाइट इन द इंटेस्टाइन नर्वस सिस्टम विद लार्ज एंटीरली सिचुएटेड गैंगलिया एंड नर्व गॉड रनिंग अलॉन्ग द बॉडी इज प्रेजेंट सेंस ऑर्गेन्स आर बेटर डिवेल्प इन फ्री लिविंग फॉर्म्स लाइक प्लेरिया मतलब जो पैरासाइट्स हैं उसमें सेंस ऑर्गेन जो हैं वो वेल डिवेल्प नहीं है लेकिन प्लानेरियन्स में सेंस ऑर्गेन्स आर वेटर डिवेल्प्ड ज आर मोनोशियस और हरमेप्रोडाइट मीन फीमेल एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स विल बी प्रेजेंट इन दन ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स आर वेल डिवेल्प एग्स प्रोजेस्ट यॉक एंड कवर्ड बाई शेल शेल की कवरिंग होगी एग्स के बाहर डिवलपमेंट इज डायरेक्ट इन फ्री लिविंग एंड इनडायरेक्ट इन पैरासिटिक फॉर्म फर्टिलाइजे फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल There is spiral cleavage in the body. Life cycle completed with many larval stages. Larvae are presuming. swimming. U type is surrounded by mahlis glands or shell glands. The secretion of these glands lubricates the passage. So, what is this U type? U type is a part of oviduct in flatworm. U type is a part of oviduct in flatworms in which eggs are. प्रोड्यूस्ड विद इसमें क्या होगा कि एग्स जो है वो शेल के साथ प्रोड्यूस होंगे दैट इस्टेंट की पॉइंट अगेन ए सिलोमेंट विदाउटी कैटी एक्टोपैरासाइट पैरासाइट दैट लिवस ऑन द सर्फिस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म और एनडोपेरासाइट क्या होता है इन साइड द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म रहेगा स्कोल एक्स द स्ट्रक्चर एट द रियर एंड ऑफ द टेप बर्म इन अडल्ट है सकर अडल्ट टेबर में इस इसके ऊपर क्या होंगे सकर्स होंगे एंड हुक्स बाय विच इट अटैचेज इट सेल टू द होस्ट एक टर्म है प्रोग्लॉटेड एनी ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए टेबर दे कंटेन बोथ एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जिस सेगमेंट में मेल और फीमेल रिपोडक्टिव ऑर्गेन्स होंगे उसको हम बोलेंगे प्रोग्लॉटेड आपको पता है कि टेपर्मो जो है दैट इज स और हर मेफ्रोडाइट मीन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो है वो एक ही जीव के अंदर होंगे नाउ वी विल डिस्कस यूनिक करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ प्लेटिस की जो पोरीफेरा में करेक्टर थे या में करेक्टर थे उनसे यूनिक करेक्टर में क्या है तो यहाँ है प्रेजेंस ऑफ फ्लेम सेल्स यूनोवेरीवेल लेडर लाइक नर्वस सिस्टम प्रेजेंस ऑफ पैरकाइमा इन द बॉडी कैविटी बॉडी कैविटी के अंदर क्या होगा पैरनकाइमा होगा

टर्बिल तो एरिया के जो ऑर्गेनिज्म होंगे जो वो इसमें होंगे फ्रेश वाटर में एंड फ्री लिविंग होंगे बॉडीज फ्लैट हुक्स एंड सकर्स आर नॉट प्रेजेंट फॉर एग्जाम्पल इसमें आएगा प्लेनेरिया ऑटोप्लेना तो ये ऑर्गेनिज्म इसमें आएगी टर्बिलेरिया में वी हैव ट्रेमेटोडा दीज आर मोस्टली पैरासिटिक हुक्स एंड सकर्स आर यूजली प्रेजेंट फॉर एग्जाम्पल फैश्योलापेटिका एंड डिप्लोजोन तो ये जो होंगे वो ट्रेमाटोडा के ऑर्गेनिज्म है नेक्स्ट वी हैव कैस्टोडा ही जो है वो पैरासाइट होंगे दे हैव हुक्स एंड सकर्स फॉर एग्जाम्पल टीनियासोलियम आएगा कन्बुलेटा जो है इसका ऑर्गेनिज्म है यू कैन सी दिक ऑफ टीनिया सोलियम अ फ्यू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू दिस स्पीसीज कॉजियर डिजीजेस सच एट Uh, schistosomiasis or snail fever it is one of the most dangerous disease in tropical countries teniasis is another disease caused by tapeworm tapeworm that is Tinea solium it is present in the intestine of humans and other uh, animals some important questions which can be asked in examination in Phylum Platyhelminthes excretory organs are the flame cells are the excretory organ in case of Platyhelminthes. Flame cell hair functions like a kidney that is help in removing the waste material from the body. Another question: Members of Phylum Platyhelminthes are generally called as members of Platyhelminthes are generally called as flatworms or tapeworms these are soft bodied invertebrate animals there are about 20000 species of these animals a few of these lives as parasite on human and other living animals next question which is asked that is unique features of platyhelminthes that you know very well what are the unique features of uh, platyhelminthes we discussed next question which can be asked what is the mode of nutrition in platyhelminthes थिस आर ट्रिपलोवेस ब्लास्टिक ए सिलोमेट बायलेटली कंप्रेस्ड प्लेटवर्म फाइल प्लेटी हेलमेंथिस फीचर्स फ्री लिविंग है कमेंसल हो सकते हैं पैरासिटिक फॉर्म में दे आर ऑल्सो हिट्रोट्रॉफिक इन नेचर बॉडी कैफिटीज लेकिंग सॉफ्ट बॉडीज अनसेमेंटेड वर्म वेल दिस इज ऑल अब द टॉपिक प्लेटी हेलमेंथिस Thank you and have a nice day.